नमस्कार प्यारे बच्चों, आज असी पोइम पढ़ रहे हैं वंस अपॉन ए टाइम रिटन बाय गैब्रियल। इसका जिहड़ा पोइट है वह गैब्रियल ओकारा है। बेटो नाइजेरियन पोइट है और बहुत ही अच्छा लिखता है। अजकल दियां समस्यावां ते अपनी लेखनी चलाई है इसने। बच्चो तुहानू गिरगिट का पता होएगा, छिपकली कोड़कली वर्गा जीव अक्सर दरख्तों ते देखिया जाता है। इस जीव की एक बहुत विचित्र विशेषता है कि वह अपना रंग बदल सकता है। जिस तरह के वातावरण च जिस तरह के आले दुआले का रंग होंदा वह अपना रंग बदल लैंदा। पंजाबी च कहा भी जाता है, एक मुहावरा है, गिरगिट की तरह रंग बदलना। बच्चो अजकल इंसान भी जड़ा है वह गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। उसकी बाहरों परसनैलिटी कुछ होर है, अंदरों कुछ होर है। इस विचारधारा को लैके यही पोइम वंस अपॉन ए टाइम गैब्रियल ओकारा ने लिखी है। मैं पहले इस पोइम को पढ़ांगा, इसकी एक्सप्लेनेशन करांगा। वंस अपॉन ए टाइम सन दे यूज टू लाफ विद देयर हार्ट्स एंड लाफ विद देयर आईज। वंस अपन ए टाइम एक वारी की गल है। कवि जड़ा है अपने बेटे दे नाल गल कर रहा है और कह रहा है कि एक समा हुंदा सी जदों लोग दिल नाल हसदे सन, उन्हां दी हंसी दा फुहारा दिल विचों निकलदा सी। एंड लाफ विद देयर आईज, उन्हां दी अखां दे विच ओह हंसी समाई हुंदी सी। And laugh with their eyes, but now, लेकिन हुन, they only laugh with their teeth. While their eyes block cold eyes, search behind my shadow. कहिंदा लेकिन अज आदमी जिहड़ा है वह सिर्फ दंदां दे नाल ही हसदा है, मुस्कुरांदा है। दिल तक उसकी मुस्कुराहट, उसकी खुशी, उसके खेड़े, उसकी हंसी नहीं पहुँचती। और अखां जड़ियां ने उसके नज़र जड़ी है वह बिल्कुल सर्द है, इस तरह की ठंडी जिस तरह की एक बर्फ का तोदा होंदा है। आइस ब्लॉक कोल्ड आइस, जिड़ी कि मेरे परछावें का पिछा करती, मेरा भी पिछा नहीं करती, मेरे परछावें का पिछा करती। मतलब की है, कवि इस स्टेंजे च कहना जाता है कि आदमी जिहड़ा है वो करीने दे नाल हंस भी नहीं सकता, वो दिलों अज हंस नहीं रहा। किस तरह की आर्टिफिशियल जिंदगी वो जी रहा है। किसी शायर ने ठीक किया है, इंसान कितना पढ़ गया है, कितना आगे बढ़ गया है, दिल से हंस नहीं सकता, करीने से रो नहीं सकता। दिल से हंस नहीं सकता, करीने से रो नहीं सकता। जो बंदा ज़्यादा पढ़ जाता, तरक्कियां कर जाता, तो वो दिलों रो भी नहीं सकता। कोई मुसीबत आ सके तो हंजू भी नहीं बहा सकता, अपने लिए या किसी होर दे वास्ते। एक बहुत आर्टिफिशियल लाइफ दसी है और जीवन का अज सच भी बच्चों बन गया है। सैकंड स्टैंजा, there was a time in which they used to shake hands with their hearts. They used to shake their hands with heart, but that is gone, son. That is gone, sir. बेटे अपने नु कहंदा, सन नु कहंदा, ओ समा चला गया है जद लोकी दिल दे नाल दिल मिलांदे सके, उन्हां दे दिल भी मिल जांदे सके जदों वह किसी के नाल हथ मिलाते सन। नाउ दे शेक देयर हैंड विदाउट हार्ट्स वाइल देयर लैफ्ट हैंड सर्च माई एम्प्टी पॉकेट्स। कहिंदा लेकिन अज जदों वह हथ मिलाते हैं
तो बिना दिल तो मिलाते हैं, दिल नहीं मिलता उन्हों का, हाथ जरूर मिलाते जोड़ा भी बंदा मिलता है। और जे सज्जा हाथ उन्हों का दूजे न मिल रहा हों तो खब्बा हाथ उस दे जिस बंदे हाथ मिला रहे होंगे उसकी पॉकेट के होंगे कि पैसे किन्ने। मतलब ये है कि अज असी मित्रता भी करना चाहते हैं तो वह मापदंड इस चीज़ से होंगे कि इस बंदे दे कोल किन्ना पैसा है, हाथ मिला के काबिल भी है या नहीं। सिकली एक होर भी गल आप इस तो निकाल सकते हैं, एक विचार होर भी निकलता है कि जो अज का इंसान किसी बंदे दे नाल हाथ मिलाता है तो उसकी जेब कट्टन नूं फिरदा है, भाव कि उसका कोई ना कोई नुकसान करन नूं फिरदा है। ये दो विचारधारा इस पैरे दे विच हन। हाँ जी, लोग कहिंदे सन पहले, हाँ जी, हाथ ना सही दिल तो मिलाइयो यारो, हाथ ना सही दिल तो मिलाओ यारो, हुने उल्टा हो गया बेटे। हाँ जी, थर्ड स्टेंजा असी पढ़ रहे हैं कि मेहमान जड़ा है उस दे आन जान दे बारे च है कि मेहमान नवाजी जिहड़ी पहले असी करदे सीगे हुण उसका स्टैंडर्ड किन्ना डाउन चले गया है। कोई बंदा साडे घर आया तो कभी कहिंदा है फील एट होम कम अगेन, फील एट होम कम अगेन, दिस से एंड व्हेन आई कम अगेन एंड फील एट होम वंस ट्वाइस देयर विल बी नो थ्राइस फॉर देन आई फाइंड डोर शट ऑन मी, ओ माय गॉड द डोर्स शट ऑन मी, मीन्स हियर द पोइट्स फील एट होम कम अगेन। पहली बारी जो मैं किसी के घर जाना है वो कहिंदा आराम नाल बैठो, ये घर तुहाडा ही है, बेगाना ना समझियो, फील एट होम। और नाल ही कहिंदा कम अगेन, दोबारा भी आना सर जी, दिस ही वो कहिंदे सन एंड व्हेन आई कम अगेन एंड फील एट होम, जो मैं दोबारा जाता सी उन्होंने घर आराम भी महसूस करता सी, लेकिन वंस ट्वाइस एक बार दो बार तीजी बार यह मौका मैं नहीं मिलता सी, देयर विल बी नो थ्राइस, देयर विल बी नो थ्राइस, तीजी बार जाने का मौका नहीं मिलता सी, क्योंकि देन आई फाइंड डोर शट ऑन मी, तद मैं जिहड़ा है मेरे तो दरवाज़ा बंद मैनू मिलता सी। बच्चे इतने मैं एक छोटी जी गल याद आ गई, दरवाज़ा खटखटाया किसी ने, फादर नूं यह पता सी कि इस वेले मेरा कोई दोस्त मिलन लिए आया है, अपने छोटे बच्चे नूं जिहड़ा लागे खेल रहा सी, कहिंदा बेटे जा ते अंकल नूं कह कि डैडी घर ने। बेटे ने दरवाजा खोलिया, गया अंकल डैडी कहिंदे डैडी घर ने। सो बच्चों च सच्चाई है, वो सच बोलते ने, वो मासूम ने बच्चों। हालांकि साड़ी संस्कृति जड़ी है, साड़ा सभ्यता जड़ी है, वो तो अतिथि नूं घर आए का बहुत सत्कार करते ने, क्या भी गया अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, कि अतिथि देवतावां दे समान हुंदा है। लेकिन अज की हो गया, पंजाबी च जिस तरह कहिंदे सी मेहमान मेरे सिर मत्थे, मेहमान मेरे सिर मत्थे, हैं ते हुण की कहिंदे ने मेरे कोल ना आई इत्थे, मेहमान मेरा सिर मत्थे मेरे कोल ना आई इत्थे। एक इन्नी ऊंचाई तो देवता मनन वाले अतिथि तो असी कहना शुरू की क्या कर दिता मेरे कोल ना आई इत्थे। नाउ वी आर कमिंग टू द फोर्थ स्टेंजा, सो आई हैव लर्न माई थिंग सन, सो आई हैव लर्न माई थिंग सन,
I have learned to wear many faces, like dresses, home face, office face, street face, host face, cocktail face, with all their conforming smiles. इस स्टेंजे दे विच कवि ने किया है कि आदमी ने जिहड़ी मैं पहले गल कही सी कि बहुत वड्डा गिरगिट बन गया है, उसने अपने चेहरे ते बहुत सारे मखौटे पहने हुए ने, उसकी परसनैलिटी एक प्याज वर्गी है जिस चो एक परत तो बाद दूजी, दूजी तो बाद तीजी, तीजी तो बाद चौथी, तो बाद कुछ नहीं मिलता, निकल दिया रहिंदियां। कहिंदा मेरे पुत्र मैं सीख लिया है, आई हैव लर्न मैनी थिंग्स, मैं बहुत सारी चीज़ां सीख ली हैं। और कड़ी चीज़ा सीखिया ने जड़ियाँ अजकल सो कॉल्ड दुनियावी चीज़ा वो सीख लिया। आई हैव लर्न टू वेयर मैनी फेसिस, मैं बहुत सारे चेहरे लगाने शुरू कर दिते ने, पहनने शुरू कर दिते ने, मेरे व्यक्तित्व के बहुत सारे मखौटे ने। जिस तरह ड्रेस होंगी है लाइक ड्रेसिस, होम फेस घर च रहन वाला एक मखौटा, ऑफिस फेस ऑफिस का एक चेहरा ना अपना ही किस्म का, स्ट्रीट फेस जो तो गली दे विच आप आने, होस्ट फेस जेकर कोई मेहमान असी घर बुलाना हो उस वेले साढ़े की व्यवहार होंदा है उसका, कॉकटेल फेस कोई पार्टी देनी है उत्थे साडा व्यक्तित्व किस तरह का है, बिल्कुल ही इंटायरली डिफरेंट जिहड़ा कि साडा अपने घर परिवार या बच्चों के नाल है। विद ऑल द कन्फर्मिंग समाइल्स, कन्फर्मिंग का मतलब है बिहेविंग थिंकिंग इन द सेम वे, और होठां ते मुस्कुराहट उस तरह की है जिस तरह की असी सोचते हैं, जिस तरह का असी मुखौटा पाया हुआ है। और समाइल की है वह फिक्सड है, और किस तरह की फिक्स है वह कहता कवि कहता है कि एक जिस तरह फोटो दे विच समाइल आती है उस तरह की है, लाइक ए फिक्सड पोर्ट्रेट समाइल, एंड आई हैव लर्न टू लाफ विद ओनली माई टीथ। मेरे पुत्र मैं ये सीखा है कि सिर्फ दंदा दे नाल किस तरह मुस्कुराना है, किस तरीके दे नाल हसना है। एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हार्ट, और हाथ मिलाना है बिना दिल मिलाया। आई हैव ऑल्सो लर्न टू से गुड बाय, और मैं लोगों को गुड बाय भी कहना सीख लिया है, लेकिन मेरा मतलब गुड बाय नहीं होंदा है। वेन आई मीन गुड रिडेंस, गुड बाय का की मतलब है गुड रिडेंस, कहना है गुड बाय नाल समाइल दे, ते सोचना की है मतलब कि ना चंगा जान छुट्टी, हाँ जी पिछा छुटिया, हाँ जी गलों लत्था, इस तरह की फीलिंग्स। तो जदों कहता मैं कहना टू से ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू मतलब तुहानू मिल के बहुत खुशी हुई, विदाउट बीइंग ग्लैड असल दे विच कोई खुशी नहीं होनी, हाँ जी विदाउट बीइंग ग्लैड एंड टू से इट हैज़ बीन नाइस टॉकिंग टू यू आफ्टर बीइंग बोर्ड। गलबात तो कहना है भई चिंतन बहुत वधिया होया, विचार बहुत वधिया सांझे होए, बहुत वधिया गल सीगी, गल करके बहुत वधिया लग्या, लेकिन सोचना है यार बहुत बोर होए। वही गल है जिस तरह कहिंदे ने मिलके तुहानू दिल बाग बाग हो गया, पर असल विच दिल नाग वांग हो गया। की मतलब कहना उन्होंने भी दिल बाग बाग हो गया, तो सोचना है यार दिल ते जिदा नाग बैठ गया हो उस तरीके नाल मैं महसूस करना है। हाँ जी मतलब ड्यूअल पर्सनैलिटी, दो तरह की पर्सनैलिटी साड़ी हो गई, दो तरह की भी नहीं मल्टी लेयर्ड पर्सनैलिटीज हो गई। बच्चों आखिरी लाइन के विच, आखिरी दो स्टेंजेस दे विच कवि जड़ा है अपनी मन की इच्छा प्रगट कर रहा कि कोई लौटा दे मेरे
बचपन के दिन, मेरे बालपन नू कोई लौटा दे, डेज ऑफ इनोसेंस, गोल्डन ग्लिम्पसेस ऑफ चाइल्डहुड नू याद करता है और कहता काश मैं एक बच्चे वर्गा पवित्र हो जावा, बिना किसी ऐब दे हो जावा, मेरे च ड्यूलिटी ना होए, बट बिलीव मी सन, मेरे ते विश्वास कर मेरे पुत, आई वॉन्ट टू बी वट आई यूज टू बी when I was like you. I want to unlearn all these muting things. मेरे पुत्र मेरे ते विश्वास कर, मैं चाहता हाँ कि मैं उस तरह का हो जावा जिस तरह का मैं होया करता सी जो मैं तेरे वांग छोटा सी बच्चा सी. मैं इन चीज़ों को अनलर्न करना चाहना, भुलना चाहना. आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दीज म्यूटिंग थिंग्स. म्यूटिंग थिंग्स मीन्स जिन्हें चीज़ों का म्यूटेशन होया है, ये बदलिया हुई चीज़ा जड़िया ने. हाँ जी, उसते मोस्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू रीलर्न हाउ टू लाफ. मैं दोबारा सीखना चाहता कि असल हंसी की है, कि हसया किदा जाता है. फॉर माई लाफ इन द मिरर शो ओनली माई टीथ. जो मैं शीशे अगे हसदा हाँ तो मेरे दंद ही नज़र आते हैं, और किस तरह के लगते हैं मैं, लाइक ए स्नेक्स बियर फैंग्स, जेडे कि सप दे दंदा वर्गे लगते हैं मैं अपने दंद, जिस दे विच सिर्फ जहर दे, सिर्फ जहर उगलन दे, सिर्फ दूसरे दे नुकसान करन दे कुछ नहीं है. सो शो मी सन हाउ टू लाफ, शो मी हाउ आई यूज टू लाफ एंड स्माइल वंस अपन ए टाइम व्हेन आई वॉज लाइक यू. अपने बेटे नू कहंदा सर जरा डिमोंस्ट्रेशन कर तू किस तरीके नाल हसदा है. हाँ जी, सो शो मी सन हाउ टू लाफ, मैनू दिखा किस तरह हसीदा है. शो मी हाउ आई यूज टू लाफ एंड स्माइल वंस अपन ए टाइम, मैं किस तरह मुस्कराया करता सी, हसया करता सी जब मैं तेरे वर्गा सीगा. धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच.